प्रदेश में अनेक जिलों में सोयाबीन की फसल रोग के कारण बर्बाद हो गई है। इसी के चलते शमशाबाद भाजपा विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह आज तहसील प्रांगण में सांकेतिक धरने पर बैठ गए। सैकड़ों किसानों को एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर प्रचार करके आने का आग्रह भी किया था। वहीं प्रशासन के नुमाइंदों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं शमशाबाद में ये बात आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विधायक अपनी ही सरकार को क्यों घेर रही है। गौरतलब है कि विदिशा जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला भी माना जाता है, जबकि राजश्री सिंह खुद विधायक है और सत्ता में है तो सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात आखिर क्यों नहीं की। वहीं पूर्व विधायक ने मीडिया को देख कर धरने पर बैठते हुए कहा, यह धरना नहीं है, हम किसानों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब सैकड़ों किसान साथ में मौजूद है तो इंतजार किसका कर रहे हैं। वहीं सरकार ने सभी धार्मिक आयोजनों पर 5 लोगों से ज़्यादा लोगों के आने पर प्रतिबंध है। वहीं शमशाबाद विधायक ने सरकार के सभी नियमों को ताक में रखकर अपना काम किया। यह सोचने वाली बात है कि आम आदमी को सारे नियम का पालन केवल जनता के लिए है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। लेकर आपने ज्ञापन दिया, सोयाबीन की फसल जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, मेरे किसान साथियों का जो दर्द है आज उसको यहाँ पर उजागर हो गया है, वो क्योंकि पूरी 100% फसल बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो मूंग की हो, उड़दा की हो, सोयाबीन की हो, और अब तो धान भी पीली सी पड़ रही है। इस समस्या को लेके आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरे विधानसभा से हर गांव से 4-4, 5-5 लोगों को ही बोला था आने के लिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, और आज हमने ये ज्ञापन दिया है। और आज शाम को 4 बजे हमारा CM से टाइम है, वो टाइम पहले से ही था, बट ये समस्या इतनी जटिल थी, इसको लेके आज हम शाम को मिलने वाले हैं CM साहब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।